service invoice inclusive of GST. Inclusive of GST का मतलब जो मैंने services दिए हैं उस services के अंदर 18% GST charge है. जैसे मैंने एक example लिया कि हमारी कंपनी ने 40,000 की सर्विसेज दिए मनोज को इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो सर्विस इनवॉइस कैसे मुझे जनरेट करना है टैली से और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी यानी टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा. तो सीखते हैं सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स में आए. एफेट सेल्स वाउचर मैंने सिलेक्ट किया. सेल्स वाउचर में मेरे पास जो स्क्रीन आ रही है ये अभी आइटम इनवॉइस मोड है. सेल्स के अंदर हमारे पास टू इनवॉइस मोड है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और आइटम इनवॉइस मोड. जब भी मैं किसी गुड्स की सप्लाई करता हूं तो हम सिलेक्ट करते हैं आइटम इनवॉइस मोड, जहां पे हमारे पास लिखा है नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट पर आइटम. अब मैं यहां पे एक सर्विसेज की सप्लाई कर रहा हूं, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा हूं मनोज को, तो हम यहां पे सिलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में. बटन बार में आपके पास एक बटन आ रहा होगा अकाउंटिंग इनवॉइस, जिसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट आई. तो अकाउंटिंग इनवॉइस मोड मैंने सिलेक्ट किया. यहाँ पे सेल्स वाउचर में अब आपके पास नेम ऑफ आइटम की जगह पर्टिकुलर्स और क्वांटिटी कॉलम यहाँ से रिमूव हो गया. आप देख सकते हो आपके पास सेल्स वाउचर में टू इनवॉइस मोड है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड और आइटम इनवॉइस मोड. ऑल्ट आई प्रेस करते हैं हम आइटम इनवॉइस मोड. आइटम इनवॉइस मोड कब सिलेक्ट करते हैं, जब हम किसी गुड्स की सप्लाई करते हैं. गुड्स की सप्लाई की जाती है तो हम आइटम इनवॉइस मोड में उसकी एंट्री पास करते हैं. बट यहाँ पे हमारी कंपनी सर्विसेज की सप्लाई कर रही है तो यहाँ मैं सिलेक्ट करूंगा अकाउंटिंग इनवॉइस मोड. ठीक है, अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में मैंने यहाँ एंट्री पास करी. मनोज को मैंने 40,000 सर्विसेज दिए हैं, 40,000 सर्विसेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. तो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले F12 कन्फिगर बटन क्लिक करोगे. F12 कन्फिगर प्रेस करोगे और यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर. इसको आपको यस रखना है, अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर्स. इस ऑप्शन को आपको यस करना है. तो मैंने पार्टी सिलेक्ट करी मनोज. देन पर्टिकुलर्स मैं सिलेक्ट किया कंसल्टेंसी फी. जैसे मैं लेजर सिलेक्ट करूंगा सर्विसेज का, मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी की, जहां पे मैं एक अमाउंट लिख दूंगा एंटर टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट हमारा है 40,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. जैसे मैं 40,000 अमाउंट यहाँ पे इनपुट करूंगा, उसके बाद मेरे पास टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी. तो टैक्सेबल वैल्यू आप देख सकते हो हमारे पास आ गए 33,898 रुपीज 31 पैसे. और उसके बाद यहाँ मैं टैक्स लगा दूंगा आईजीएसटी, क्योंकि मनोज अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो मैंने यहाँ पे आईजीएसटी टैक्स लगा दिया. तो टोटल इनवॉइस वैल्यू आ गया आपके पास 40,000 रुपीज. तो यहाँ पे आपको ये एंट्री आपकी कंप्लीट